और अगली बड़ी खबर देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को लेकर है। हर तीसरे दिन दोगुने हो रहे हैं ओमिक्रॉन के मामले। इस वजह से हालात ये हैं कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने पर फिर से विचार किया जा रहा है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन को लेकर बयान आया है। वहां के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है, टोपे के मुताबिक जिस तरह मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना और इसके ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस बढ़े हैं, इसे देखते हुए लॉकडाउन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना के 1400 से ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए। अब तक यहां 9000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक पाबंदियां कड़ी करने पर विचार किया जा रहा है। लॉकडाउन लगाने के लिहाज से सबसे ज्यादा हालात महाराष्ट्र में खराब है। जैसा कि महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने बताया, महाराष्ट्र में पिछले 4 दिन में 1000 से ज्यादा कोरोना के केस मिले हैं। शनिवार को 1410 मामले आए, 12 लोगों की जान गई। दूसरी लहर के बाद पहली बार कोरोना के केस 20% बढ़े हैं। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। केंद्र ने राज्यों को टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट के साथ वैक्सीनेशन और प्रोटोकॉल पर फोकस करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो यह तय करने के लिए भी कहा गया है। कोरोना से जुड़ी पाबंदियों को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। जरूरत पड़ने पर कंटेनमेंट से जुड़े कदम भी उठाए जाए। फेस्टिव सीजन में एक जगह भीड़ न जुटे, संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार जरूरी कदम उठाए। ये निर्देश केंद्र की तरफ से राज्यों को जारी किए गए।